दोस्तों, अपने देश में जिस तरफ जो हवा बहती है सारे लोग उधर ही बहते चले जाते हैं। जबरदस्त भेड़ चाल है। पिछले दिनों मैं दादर रेलवे स्टेशन पर बैठा था, अपने रिश्तेदार को लेने के लिए गया था। सुबह के 4 बजे ट्रेन आने वाली थी। पूरे प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा, कोई नहीं। प्लेटफॉर्म के उस कोने पे 2 कुत्ते, बीच में 4 कुली, इधर मैं सीट पे बैठा अकेला ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मेरी सीट के पीछे से कुछ खौफनाक, कुछ भयंकर आवाज आ रही थी। कौन है भाई? हेलो हेलो। पीछे से एक हाथ निकला। अरे डरो मत भैया, रामदेव बाबा के शिविर से आ रहे हैं, कपाल भाती कर रहे हैं। ये कौन सा आसन सीखा यार, खुल के करो, सबके सामने करो, बाबा ने तुम्हें डराने के लिए भेजा है। उसके बाद ट्रेन आई। अच्छा, एसी डब्बे में आप किसी रिश्तेदार को लेने जाइए, पहले तो रिश्तेदार अंदर से निकलते ही नहीं बाहर। उसका कहना है कि पहले देख तो लो, हम एसी ट्रेन से आए, खर्चा किया। अंदर गया एसी डब्बे में, पहली बार मैं डर गया। सब सफेद चादर ओढ़े लेटे, सब सफेद चादर लपेटे रहते हो, कितने तो हिलते भी नहीं है। नया आदमी डर जाए, मैं एसी डब्बे में आया हूं कि पोस्टमार्टम रूम में आ गया हूं। मेरा रिश्तेदार जो ऊपर बैठा था उतरा नहीं, पता नहीं क्या उसको समझ में आया, कुर्ता निकाल लिया, तोंद निकली यहां तक, शुरू हो गया। ओ भाई, ये ट्रेन तू चलाता हो लाया है कि ड्राइवर लाया है? तो नहीं भाई, ये आसन है। हमने ये आसन है, ये तेरा सिंहासन है। बाबा कामदेव ने पूरे देश को योगा सिखा दिया है, सबको काम पे लगा रखा, गंजों के लिए, टकलों के लिए। उनका कहना है ऐसे ऐसे घिसना चाहिए, नाखून रगड़ाना चाहिए, इससे सर पे बाल आते। एक मेरे दोस्त ने इतना रगड़ा, बाल तो आए नहीं, नाखून सब निकल निकल के गिर गए। आपको लिए चलते हैं कामदेव बाबा के शिविर में, जहां बाबा ने सबको काम दे रखा। सब लोग आ गए, महिलाएं भी आई है। वाह वाह, योगा आरंभ करते हैं। योगा में हर चीज का इलाज है, है? योगा करने से होता है। ये नहीं 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, बाबा जी मुझसे नहीं हो रहा है, बाबा जी मुझे फायदा नहीं हो रहा है, फिर नहीं होगा, है? फिर नहीं होगा। करत की विद्या है, है? करने से होता है। जैसे विचार लाओगे वैसी उत्पत्ति होगी, है? सुंदर विचार लाओगे, है? तू भी ला रहा है? सुंदर विचार लाओगे चेहरे पे तेज आएगा, है? वैसी प्राप्ति होगी, वैसी अनुभूति होगी, है? अब सब लोग आंख बंद करो। और महसूस करो, अमृत बरस रहा है। किधर है? अभी बरसेगा, जरा महसूस तो कर। टपुरी लोग भी आ गए, यहाँ योगा चल रहा है। चारों ओर शांति शांति। किधर है, किधर है शांति? अरे किसके साथ है यार, तू लाएगा इसको? अनुभव करो यार। आंख बंद रखो, पीछे बैठा व्यक्ति आपकी जेब में थूक रहा है। अनुभव कीजिए, विचार लाइए, गाली मत बको बे।
आप यहां बैठे हैं, आपके घर पे ताला टूट रहा है। महसूस करो, जैसे विचार आएंगे वैसी उत्पत्ति होगी। हैं? सुंदर आचरण रखो, हैं? दूसरे की माँ बहन। अरे पूरा तो सुन, मैं पागल हूं ये सब लेके जो बैठा हूं। दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझो। हैं? बाबा आप खुद तो आग मारते रहते हो। मेरी बात अलग है। हैं? ये तो योगा की क्रिया है, इसे कहते हैं लड़की पटाऊ आसन। वैसे आग से मुझे याद आया, हैं? बाकी लोग करते रहे, मैं तो ऐसे ही बड़बड़ करता रहता हूँ। योगा करते रहे, करते रहे। इतना जोर से कर रहा है, सांप है। आंख से मुझे याद आया, भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा होता है। क्या बाबा? मैंने निष्कर्ष निकाला है, अध्ययन किया है, भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा होता है। जिस तरह से आप चौंकी हैं, एक महिला और चौंकी और तुरंत रिक्शा पकड़ के वो अपने घर पहुंची और सीधा पतिदेव के कमरे में गई और आंख देखने लगी। जैसे ही पति की आंख देखी, जोर से चिल्लाई, भूरी। तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? पलंग के नीचे से एक महिला और निकली, साड़ी ठीक करते हुए बोली, बहन आपको मेरा नाम कैसे मालूम है भूरी? बाबा महान है, बाबा ठरकी है, बाबा महान है। योगा में है, है? शक्ति है महाराज, योगा में हर चीज का इलाज है। बैठ लेंगे। बैठ, तुम लाए हो? यहाँ पर कोई है जिसका योगा करने से वजन कम हुआ हो? बाबा, बाबा मेरा 5 किलो वजन सिर्फ 24 घंटे में कम हुआ है बाबा। चमत्कार है योगा में। चमत्कार, महाराज चमत्कार। योगा में है, लेकिन लेकिन बहन 24 घंटे में 5 किलो वजन कैसे कम हुआ, कैसे? बाबा मैं प्रेग्नेंट थी, अगले दिन मेरी डिलीवरी हो गई। योगा में है, योगा में है, योगा में। जय बाबा की। करने से होता है, ये करत की विद्या है। ये नहीं दो दिन किया वो भी छोड़ दिया, बाबा जी हमसे तो नहीं हो रहा है, है हमसे नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। योगा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। ये भाई कुछ कह रहे हैं, इनको माइक दो। जी बाबा, आप हमेशा अपने प्रवचन में कहते रहते हैं ना कि जो कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी, कोका कोला, वो कीटनाशक है, जो पीने के लिए हानिकारक है मगर धोने के लिए फायदेकारक है, उत्तम है। वो तो मैं कहता हूँ, जो कोक है, पेप्सी है, ये पीने में नुकसानदायक है, लेकिन जो है धोने के लिए, टॉयलेट धोने के लिए अति उत्तम है, है? बल्कि मेरे लाखों भक्त आजकल टॉयलेट में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा आपके इसी प्रवचन से हमारा सेल बहुत बढ़ गया, हमें करोड़ों का फायदा हुआ है, और नजराने के तौर पे मैं कुछ कमीशन। भाई मैं तो पैसे को हाथ लगाता नहीं, पैसे बाबा इसमें डाल दो। भाई मेरे सानिध्य में जो आता है उसे फायदा होता है, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे बहुत सारे भक्त कोक और पेप्सी लोटे में डाल के सुबह से मैदान ले जाते हैं। तो कोक में है, करने से होगा। अब मैं कुछ आसन आपको बताऊंगा, ये आपको सिर्फ देखना है, ये आपको देखना है, ये आपको कल करके आना है। इसे कहते हैं सिंहासन, शेर की मुद्रा वाला है। अब कुत्ता आसन, कुत्ता आसन है, आसन है इसमें, ये आसन है, ये सिंहासन है।
ये सिंहासन के ध्यान रखना आपको है, योगा में है, हर चीज है योगा में। तेरे पास है कुछ इसके बाद है तो करने से होता है, ये नहीं कि दो दिन योगा किया और जोड़ दिया बाबा जो हमसे नहीं हो रहा, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा है। अब ये टांग जो है मैं यहाँ फंसाऊंगा इधर है, ये कल फंसाऊंगा, आज नहीं हो पा रहा। और ये टांग मैं गर्दन में रखूंगा, बस कल, हाँ अभी तो हो नहीं रहा ठीक है। और अब मैं ये एक आसन है, ये बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन आसन। बाबा इसको क्या बोलते हैं? इसको बस सो जा, कुछ मत करो। बाबा महान है, बाबा महान है। अब ये देखिए ये एक आसन है, अब ये देखिए एक आसन है, ये है आसन है, कौन कह रहा नहीं है, ये कठिन है, तेरे से नहीं होगा बेटा इस जन्म में, अगले जन्म में। करज की विद्या है, करने से करने से योगा में है, है। अब ये भाई है देखो ठीक से चल नहीं पाते हैं, इनको मैं चलाऊंगा, योगा में है, है? हर चीज का इलाज है। इनको इनको खड़ा करो भाई को, अभी भाई हमारे शिविर में आए हैं, अभी चल नहीं पाते हैं, आप चलो चलो दौड़ो दौड़ो। बाबा ऐसा तो ये कभी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि बहरा है। ये नहीं है योगा में, ये नहीं योगा में है। अब ये दोनों तो पहले लंगड़े थे मगर चल रहे, ये क्या होगा, चाबी भरा किसी ने, तो बस आज का योगा यही समाप्त करते हैं, हैं? अब अपने अपने घर में करिए, हैं? चल बे टपोरी निकल, ए निकल बहरे, चल चल। ये कौन सा आसन था? ये तो कोई चुरकट आसन है साले, आजकल बड़े बदतमीज लोग हो गए हैं। अब मैं कोई और काम धंधा पकड़ूं। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.